मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है, प्रिंट आउट ओपन करो, जिसमें क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में मेंशनड है। ठीक है, थ्योरी है। तो इसमें ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में नहीं आता, ये सिर्फ मेंस में और नीट में आएगा। और हर साल मेंस के अंदर ऑनलाइन के ऊपर, लास्ट से लास्ट ईयर भी आया था, फोटोन थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ड्यूअल नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आइंस्टाइन की क्वेश्चन में हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन वही करेगा जो इसे पढ़ के आएगा। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, और बहुत आसान भी है। क्वांटम थ्योरी क्या बताती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, हमने नहीं करनी, कि लाइट फोटोन से बनी हुई है हमें मालूम है, तो ये सब पॉइंट हमें पता है। प्रॉपर्टीज़ फोटोन की क्या होती हैं ये भी हमें मालूम है, हम नहीं पढ़ेंगे। मेन मेन चीज़ देखेंगे, एनर्जी एम सी स्क्वायर होती है, एनर्जी एच इंटू फ्रीक्वेंसी होती है, एच इंटू फ्रीक्वेंसी एम सी स्क्वायर है, एम की वैल्यू क्या आएगी, एच इंटू फ्रीक्वेंसी बाय सी का स्क्वायर, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी बाय सी को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास मास की वैल्यू आ जाएगी, इफ नीडेड मास हम ऐसे पुट कर सकते हैं फोटोन का। नेक्स्ट है फोटोन्स का मोमेंटम क्या होता है, एम इन टू सी। मास हम यहाँ से निकाल चुके हैं, पुट कर दो, सी से सी कैंसल, एच बाय लैम्डा। लास्ट क्लास में मैंने ये मोमेंटम पुट किया था, इसका प्रूफ है, हाउ टू प्रूव कि फोटोन का मोमेंटम एच बाय लैम्डा है। ये तो इलेक्ट्रॉन की तरह ही है, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट है फोटोन काउंट्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटोन्स बाहर निकलते हैं, लाइट में जाते हैं एक सेकेंड में, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, फोटोन काउंट। इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा, हमें मालूम है। ये सोर्स है, लाइट को हर तरफ एमिट कर रहा है। इसके अंदर एन का मतलब है नंबर ऑफ, अच्छा इसके अंदर वो कह रहा है कि पावर पी है बल्ब की, और पावर भी है, और 100% जो है फोटोन्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, अंडरलाइन कर लेना, फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड है ये एन। एक सेकेंड में कितने फोटोन्स एमिट हो रहे हैं, आप पावर को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पावर क्या होती है, टोटल एनर्जी बाय टाइम। टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स। और क्योंकि ये तो टोटल एनर्जी बाय टाइम है, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड करने पे, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। तो याद रहेगा ये कि अगर मैं टोटल पावर को एच सी बाय लैम्डा से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएंगे नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू लाइट सोर्स, इंटेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला बताया गया है। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। फोटोमेट्री जिन्होंने सुन ली, कितने लोगों ने सुन लिया, हाँ, तो उसमें इंटेंसिटी के बारे में लक्स फ्लक्स सब उसमें डिटेल में ल्यूमन सब समझाया हुआ है, ज्यादा समझ में आ रहा होगा। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक हो गया। टॉर्च जलाई, एक तरफ लाइट आई, एरिया ए के ऊपर गिरी लाइट, तो इंटेंसिटी क्या होगी, टॉर्च की पावर, और कितने एरिया पे गिर रही है, तो पावर क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड, तो एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी हो गई। अगर लाइट स्क्रीन पे ना गिरती, हर तरफ स्फेरिकल की फॉर्म में जाती, तो इंटेंसिटी के फॉर्मूले में एरिया की जगह क्या पुट कर देते, ए नहीं पाई आर, फोर पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का मतलब पावर अपॉन एरिया। समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट है फोटोन का फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स का मतलब है, अंडरलाइन कर लेना, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन अ नॉर्मल सरफेस एरिया पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। अभी हमने क्या डिस्कस किया, ये पावर को इसे डिवाइड किया तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। हम अब कैलकुलेट करना चाहते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो हम क्या करेंगे, हम इंटेंसिटी को डिवाइड करेंगे इससे, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी, टोटल एनर्जी को फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय फाई। तो अगली डेफिनेशन यही है फ्लक्स की, फोटोन का फ्लक्स क्लियर है, इंटेंसिटी बाय एचसी बाय लैम्डा, फोटोन फ्लक्स। तो याद करने की जरूरत ही नहीं, वैसे ही आंसर आ गया। और मैंने अभी अब तक आपको दो डेफिनेशंस करवाई हैं, अगर नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया निकालना हो तो इंटेंसिटी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करो, और अगर अगर मान लो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड निकालने हो, सिर्फ पर सेकेंड, तो पावर को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करो। दोनों फॉर्मूलाज क्लियर है। तो इसके अंदर फाई की वैल्यू एन, एन का मतलब जो भी है ये टर्म आई,
डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो सरफेस एरिया के फॉर्म में लाइट जा रही है तो एरिया क्या पुट करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एन इसमें क्या है, एन नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, 5 हो गया। तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही क्लियर है। नेक्स्ट है फोटोन डेंसिटी। फोटोन डेंसिटी को ऑनलाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें कुछ नहीं करना, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, पावर बाय एरिया, क्योंकि पावर क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो इंटेंसिटी आ गई। अब फाई हमने डिस्कस किया, फाई क्या होता था, इंटेंसिटी बाय एच सी बाय लैम्डा, तो फाई को फ्लक्स बोलते हैं। अब इसमें वो कह रहा है कि मान लो 1 सेकेंड में लाइट जा रही है आगे की तरफ, 1 सेकेंड में उसने सी डिस्टेंस कवर किया, बिकॉज फोटोन की जो स्पीड है वो क्या होती है, सी, और स्पीड 1 सेकेंड में है तो यानी कि 1 मीटर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में सी डिस्टेंस कवर करती है, और ये एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन का, एस, तो ये पोर्शन का वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू सी, ठीक, या एस इंटू सी। तो इसमें वॉल्यूम 1 सेकेंड में फोटोन ने कितना क्रॉस किया, एस इंटू सी, ये वॉल्यूम हो गया। अब मुझे पता है कि ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। अब इसमें एन का मतलब देखो, ये क्या चीज है, ये अभी आया आई बाय एच सी बाय लैम्डा का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गए, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड आ गए। इन नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, डेंसिटी आ गई, फोटोन डेंसिटी, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड बाय वॉल्यूम। अब एन का मतलब मुझे मालूम है, पुट कर दिया यहां पे, तो मुझे मालूम है आई लैम्डा एच सी को फाई लिखते हैं, तो सीधा फॉर्मूला आ गया कि डेंसिटी जो होती है फोटोन की वो फ्लक्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, तो सीधा फॉर्मूला बन गया। आप इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया निकालो, उसको सी से डिवाइड कर दो, तो डेंसिटी आ जाएगी। वैसे तो मेथड भी बता दिया, बट सीधा फॉर्मूला भी क्लियर है, तो ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो, 5 बाय सी, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, मान लो अब फाई का मतलब है क्या, फाई का मतलब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड ये आ गए, पर यूनिट एरिया वो कह रहा है, मान लो एरिया एस ना होता, स्फेयर होता, स्फेयर के केस में एस की जगह क्या पुट करते, 4 पाई, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, और ऐसी डेंसिटी क्या हो जाती, 5 बाय सी, फाई एरा बाय सी आंसर। तो ये तो याद ही नहीं करना, वैसे ही क्लियर है, ठीक है यहां तक। ये क्वेश्चन में आता है, ये मैं बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। फोर्स एग्जर्टेड बाय लाइट बीम ऑन दी सरफेस, एक सरफेस है, लाइट आती है, वो भी फोर्स लगाती है सरफेस के ऊपर, जबकि आज तक हमने ट्रीट नहीं किया, तो कितनी फोर्स लगाती है उसको ट्रीट किया जा रहा है। मान लो आपने टॉर्च चलाई, फोटोन्स गिरे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है मतलब की, तो मोमेंटम कितना होगा एक फोटोन का, एच बाई लैमडा, और इसका मतलब क्या होता है, पी बाई एच सी बाई लैमडा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड होता है पी बाई थ्री बाई लैमडा, बोर्ड पे लिखा हुआ है फर्स्ट डेफिनेशन, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड को एक फोटोन के मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल मोमेंटम पर सेकेंड, और टोटल मोमेंटम पर सेकेंड फिजिक्स में क्या होता है, लॉ न्यूटन का लॉ, फोर्स, फोर्स क्या होता है, टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो ये क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इनटू टोटल मोमेंटम पर सेकेंड, तो ये क्या आ गया, सॉल्व करके पी बाय सी, तो आपको फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है, मोमेंटम बाय सी, ये इंपॉर्टेंट है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे पी बाय सी। और अगर मान लो लाइट जाती है और रिफ्लेक्ट होके पूरी की पूरी वापस आ जाती है, तो अगर लाइट जाएगी पी के साथ, वापस आएगी पी के साथ, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, पी माइनस माइनस पी, कितना, 2p, तो फोर्स डबल हो जाएगी। तो याद रखना क्वेश्चन पढ़ते हुए कि अगर तो पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, फिर तो उस केस में पी बाई सी फोर्स है, और अगर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होके पूरी की पूरी वापस जा रही है, तो फोर्स क्या हो जाएगी, डबल होगी। फॉर्मूला याद रहेगा, ये सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में, ठीक। रेडिएशन प्रेशर या फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर कुछ नहीं है, फोर्स आपने निकाल ली, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा प्रेशर, सिंपल। लेकिन इसको किसी और फॉर्म में लिखा गया, एरिया है आई इंटेंसिटी की लाइट आई, एन का मतलब, अब देखो इसके अंदर ई का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, इंटेंसिटी पर सेकेंड, तो ई का मतलब यहां पर इंटेंसिटी पर सेकेंड, इंटेंसिटी पर सेकेंड को तो पावर भी लिखते हैं,
तो पावर लिख लो इसे अपने मन में, पावर बाय एच सी बाय लैम्बडा क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो ये टर्म क्या आ गई, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आ गए। ये समझ में आ रहा है कैसे? तो अब एनर्जी एक सेकेंड में कितनी रिसीव हो रही है, आई इन टू ए, सेम है, रिपीट है, द्वारा पेस्ट हो गया। तो फोर्स क्या होता है, डी पी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब वो कह रहे हैं कि कुछ केसेस लेंगे। पहला केस, अगर मान लो पूरी रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, सरफेस ने पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो मुझे बताओ कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि फोर्स की वैल्यू कितनी थी, जो फोर्स की वैल्यू में कैसे, फोर्स क्या होता है, डी पी बाय डी टी, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, जाने का एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, एक फोटोन का मोमेंटम इतना है, पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब होगी तो आने का मोमेंटम तो जीरो, तो चेंज इन मोमेंटम इतना। अब ये एनर्जी पर सेकेंड है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड क्या होंगे, जो भी इंटेंसिटी है, जो भी एनर्जी पर सेकेंड है, एनर्जी पर सेकेंड को एच सी बाय लैम्डा से डिवाइड कर दें, ये रहने दो, इंटेंसिटी को एच सी बाय लैम्डा से डिवाइड करें, या पावर को, पावर क्या है, आई इन टू ए, तो पावर को अगर एच सी बाय लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम इतने हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इतने हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगी, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, सॉल्व करेंगे तो आई ए बाई सी, ये प्लीज बॉक्स में डालो, ये कैलकुलेशन काम नहीं आएंगी, ये काम आएगा, आई ए बाई सी याद रखना। तो टोटल फोर्स, अगर लाइट पूरी की तरह, पूरी थ्योरी कोई नहीं पूछेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सीधा फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, मैं आपको नेक्स्ट टाइम करके दिखाऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स। तो फोर्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आई ए बाई सी, आई फॉर इंटेंसिटी, कब, जब लाइट पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगी। और प्रेशर क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, तो सिर्फ आई आई बाय सी, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि अगर मान लो लाइट आती है और पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो आपने कुछ नहीं थ्योरी करनी, प्लीज क्रॉस कर सकते हो, सीधा फोर्स के अंदर ट्वाइस लगा देना, डबल मोमेंटम चेंज, पी माइनस माइनस पी डबल हो जाएगा ना, तो रिफ्लेक्शन के केस में फोर्स डबल हो जाएगी, प्रेशर भी डबल होगा। तो ये रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है और पहले वाला एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझ में आ रहे हैं। अगर मान लो कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है और कुछ रिफ्लेक्ट होती है, अब उस केस में अगर आपको ट्रांसफर ऑफ हीट याद हो थर्मोडाइनमिक्स में, तो जब हीट आती है किसी बॉडी के ऊपर तो कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ ट्रांसमिट होता है, और फ्रैक्शन का सम ऑलवेज इक्वल टू, तो इसमें ट्रांसमिटेंस का तो केस ही नहीं है। तो अगर लाइट आती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है और कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब होता है, तो फ्रैक्शन का सम इज ऑलवेज इक्वल टू, तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होगी, वन माइनस आर। अब एक चीज देखो, चेंज इन मोमेंटम, या सीधा सीधा यहीं पे आते हैं, यहां पे आते हैं सीधा, कुछ नहीं करना बीच का। अगर पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट, पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होती, रिफ्लेक्ट होती, अभी आपने फोर्स का फॉर्मूला क्या याद किया था, टू आई ए बाय, उसको आर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगी जो रिफ्लेक्ट हुई। और एब्जॉर्प्शन के केस में कुछ नहीं करना आपने, एब्जॉर्प्शन में आई ए बाई सी फॉर्मूला था फोर्स का, और उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए का मतलब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, लेकिन ए किसके इक्वल है, वन माइनस आर, और टोटल फोर्स की वैल्यू इन दोनों का सम ऐड करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, फोर्स का और एरिया से डिवाइड करोगे तो प्रेशर का। प्लीज ये दो फॉर्मूले को बॉक्स में डाल लो, इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड आती है, सीधा फोर्स का और सीधा इसका फॉर्मूला आप कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इसके ऊपर फिर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। न्यूमेरिकल वैसे सॉल्व मैंने आपको दे दिए हैं, अब घर से पढ़ के आओगे ज्यादा बेटर रहेगा, एक बार प्लीज गो थ्रू करके आना। मैंने जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शीट दी है आपको, नंबर मुझे पता नहीं, 55 के सॉल्यूशंस दिए हैं, वो एक बार गो थ्रू करना, वो नेक्स्ट टाइम होंगे, और नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस।